अस्सलाम वालेकुम जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, ना? पढ़ाई साथ साथ हो रही है, वेरी गुड। पढ़ाई हम कर रहे हैं और आजकल हम क्या कर रहे हैं? रिविज़न कर रहे हैं जी जनाब, हम रिविज़न कर रहे हैं, अपना सारा पिछला काम अच्छे से दोबारा से दोहरा रहे हैं। और हम क्यों दोहराते हैं? हम इसलिए दोहराते हैं कि पिछला काम अगर हम भूल गए हैं तो हम उसे अच्छे से दोहरा लें। और मैं उसके लिए आपकी मदद करती हूँ, है ना, कि भाई चले मेरे साथ मिलके आप पिछला काम दोहरा लीजिए। तो आप दोहराते हैं मिलके और फिर पिछला सारा काम हमारा हमें पक्का पक्का याद हो जाता है। हमने अभी क्या किया था भाई? लास्ट हमने कल क्लास के अंदर अपनी उर्दू क्लास में क्या किया था? कि दो हरफी अल्फाज को दोहराया था। हाँ जनाब, हमने आखिर किया बस ओके, दो हरफी अल्फाज को दोहराया था। और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी रफ कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, मामा बाबा से कहिएगा कि हमें नुक्ते बना के दे दें अल्फाज के, तो बना के दे दिए थे ना। देखा, आप पढ़ने बैठेंगे तो मम्मा बाबा आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, वरना बड़े बहन भाई आपके मौजूद होंगे, उनसे कहिए और काम कम्प्लीट कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। कल और क्या बात हुई थी? ये हुआ था कि हमने दूसरी आखिर की आवाज़ ओ के भी आखिर के अल्फाज के, यानी कि आखिर की आवाज़ हमारी ओ के भी हमने दो हरफी अल्फाज पढ़ने सीखने हैं। हाँ जनाब, यानी कि आज हमने ओ के दो हरफी अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। तो जनाब चले ठीक है जी, हम करते हैं ओ के दो हरफी अल्फाज की प्रैक्टिस। निकाल लीजिए अपनी किताब उर्दू सिलसिला साल दोम की किताब, सफ़ा नंबर 41 यहाँ खुल चुका है और मौजूद है यहाँ पे ढेरों अल्फाज हमारे ओ के। कल हमने पढ़े थे ओके, बिल्कुल जनाब, अ के आखिर के अल्फाज हमने दो हरफी अल्फाज पढ़े थे, जो हमारी आखिर की आवाज़ है अ, हमने उसके दो हरफी अल्फाज पढ़े थे। आज हम ओ, जो हमारी आखिर की आवाज़ है, उससे मिलके जो दो हरफी अल्फाज बनते हैं उनको पढ़ेंगे जी जनाब। तो कि हमारे पास मौजूद है सफ़ा, दो आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन हमसे कह रहा है पढ़िए, तो जनाब पहले हम पढ़ेंगे और फिर पेंसिल फेरेंगे। और मुझे बिल्कुल पता है कि आप पेंसिल फेर चुके हैं, काम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन। तो हम क्या करेंगे? पहले अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे? एक्स्ट्रा कॉपी पे, रफ कॉपी पे पढ़ने की, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे जी जनाब। पढ़ तो हम साथ में लेंगे ना, तो लिखने की प्रैक्टिस हम रफ कॉपी पे करेंगे, या तो मम्मा पापा से कहेंगे कि हमें ये लफ्ज़ बना के दे दें नुक्ते डाल के, हम पेंसिल फेर लेंगे, वरना आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जनाब। तो देखते हैं कि हमारे पास ये अल्फाज क्या बन रहे थे। पहला हमारा है पढ़िए, उसके बाद पेंसिल फेरिए। तारीख हम लिख चुके हैं और आप अपनी रफ कॉपी भी लिख सकते हैं तारीफ, बिल्कुल जनाब। अब पढ़ते हैं कि क्या है हमारे ओ के दो हरफी अल्फाज, कौन सी आवाज़ है भाई, जल्दी से बताइए। ब ओ, ब ओ, ब ओ, बो, 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 ब ओ, बो, ब ओ, बो, 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 प ओ, पो, प ओ, पो, प ओ, पो, त ओ, तो, 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 बो, 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 पो, 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 तो, 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 मजा आ रहा ना पढ़ने में? चलिए आगे पढ़िए। ज ओ जो, ज ओ जो, ज ओ जो, च ओ चो, च ओ चो, च ओ चो, ह ओ हो, 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 जो जो, चो चो, हो हो, हो हो। तो जनाब दोबारा से पढ़ते हैं हम।
बो बो बो, पो पो पो, तो तो तो, टो टो टो, जो जो जो, चो चो चो, हो हो हो, हो हो हो। तो जनाब हमने सारे अल्फाज अच्छे से दोहरा लिए हैं, अब आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार सुनिए, साथ साथ पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करनी है ना, पेंसिल पेड़नी है तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अपनी रफ़ कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, मश करेंगे लिखने की, नहीं तो मम्मा पापा से कहेंगे, बड़े बहन भाइयों से कहेंगे कि हमें ये अल्फाजों के नुक्ते बना के दे दें, और हम नुक्तों के साथ में क्या करेंगे, पेंसिल फेड़ लेंगे और हमारी मश्क हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, हम सब दोहरा लेंगे। ये काम कम्प्लीट कीजिएगा, अच्छे से कम्प्लीट कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, तो हमारे पास हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमें दोबारा से इतने बहुत सारे ढेरों अल्फाज पढ़ने आ गए हैं जो हम भूल गए थे, है ना, कितना फ़ायदा हुआ ना रिवीजन करने से। चलें जी जनाब, कीजिए आप रिवीजन अपना, वीडियो को बार बार देखिए, देखने के बाद काम कंप्लीट कीजिए, पढ़िए, वॉइस नोट भेजिए अपने टीचर को, जब रफ कॉपी पर प्रैक्टिस कर लें तो रफ कॉपी की पिक्चर भी टीचर को सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ, अल्लाह हाफिज़।